हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. नाउ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे. व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. एलिमेंट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. वी विल स्टडी पार्ट वाइज व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर मेटलॉइड्स. द नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट point of this metals. What are metals? Metals, non-metals and metalloids को किस basis पे आप differentiate कर सकते हैं? तो metals have first point. Metals lose electron. Metals जो है electron lose करने की tendency. They have tendency to lose electrons and form the respective cation. What is cation? This one is called cation. That is positively charged ions are called cations. Positively charged ions are called cations. तो first point हम लोग metals की सबसे बड़ी property क्या है? They have tendency to lose electrons and form their respective cations. Let us understand this example. That is sodium. Sodium का electronic configuration होता है 2, 8, 1. And to get stable condition, to get noble gases configuration or stable configuration, it has tendency to lose this electron. अगर ये electron lose कर देगा, तो it will get the stable condition. 2, 8 ये stable हो जाएगा. तो ये क्या करेगा? हमें stable करने के लिए electron lose करने की tendency रहेगी और cation बनाने की tendency रहेगी. First property of metal is that. Second, malleable. What is the meaning of malleability? On handling, it can be changed into thin sheets. इसको आप hammer से मार के आप thin sheets में change कर सकते हो. That is called malleable. Metals are malleable. Why? It can be changed into thin sheets on handling. आप hammers करके इनको आप thin sheets में बदल देते हो. जैसे आपने food wrapping foil, aluminium foil देखा होगा, वो aluminium metal होता है जो कि बहुत ही पतले sheets में होता है. जैसे आप lunch में packet के लिए जाते हो, तो and gold, silver. सिल्वर की ज्वेलरी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि उनको बीट करके आप थिन शीट्स में चेंज कर सकते हो. एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स. ऐसा नहीं कि कुछ सारे, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स वैसे होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस लाइज इन साइंस. तो एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम एंड लिथियम. कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप हैमर करके थिन शीट्स में नहीं चेंज कर सकते हो? दैट अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम एंड लिथियम. ये जो मेटल्स हैं इनको आप, ये टूट जाते हैं, ये बहुत फ्रेजाइल होते, टूट जाएंगे, ये नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे. थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल. व्हाट मेटल्स आर डक्टाइल? व्हाट इज कॉल्ड डक्टिलिटी? On hand, it can be changed into thin wires. पतले पतले तार में इनको, ये इतने stretchable होते हैं, इनको stretch करके पतले wires में change किया जा सकता है. ductile, जैसे aluminium wire, copper wire, क्यों बन पाते हैं wire? क्योंकि metals होते हैं, इनकी property होती है, ductile होते हैं. तो इनको आप thin wires में जल्दी change कर सकते हैं. चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं. व्हाट आर फोर्थ? दे आर हार्ड. ऑब्वियसली आप आयरन टच करोगे, एल्युमिनियम टच करोगे, दे आर हार्ड. वो छूने में ही हार्ड होते हैं. एक्सेप्ट, मैंने कहा साइंस हमेशा एक्सेप्शन पे चलता है, हर चीज का एक्सेप्शन होता है. तो दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. दे कैन बी कट बाय नाइफ. सोडियम और पोटेशियम के मेटल्स होते हैं, उनको आप नाइफ से कट
generally metals are marked, but except sodium and potassium. 5. Good conductor of heat and electricity. Why metals are called good conductor of heat and electricity? ये questions आपसे पूछा जा सकता है. तो ये question हो सकता है metals are good conductor of heat and electricity. Why? दो तीन reason है. First point तुमने पढ़ा. They have tendency to lose electron. Tendency to lose electron मतलब उनके पास free mobile electrons होते हैं. उनके electrons हमेशा move करते रहते हैं to get stable condition. तो first point होगा free mobile electrons, flow of electrons. और जब flow of electrons होंगे तो collision of electrons होंगे. आपस में electrons टकराएंगे. तो क्या करेंगे? Flow of electron. What is flow of electron is called? Flow of electron is called current. तो electricity हो गई. And collision of electrons होगा तो heat produce करेगा ना. तो why metals are good conductor of heat and electricity? इसका आप कहेंगे due to free mobile electrons, flow of electrons, collision of electrons. Now is it clear? मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं. कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. इतना जो मैंने बताया क्लियर है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं और ये एलिमेंट्स सारे हैं. तो मैं जो टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ आपका कुछ नहीं होना. 6 पॉइंट क्या है मेटल्स के? हाइट, melting point and boiling point. 7. Solubility. High melting and boiling points. Another property of metal is high melting and boiling point. क्या है melting point और boiling point का बहुत ज़्यादा अंतर है? Obviously except sodium and potassium. I told you ना sodium and potassium are very soft metals, they can be cut by knife. इसलिए इनका melting point boiling point काफी कम होता है. And calcium has low melting point. Calcium जो हमारा metal होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है. एंड टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. जो टंगस्टन मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है. दैट इज 3,243 समथिंग ऐसा होता है. टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है. एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. कैल्शियम है लो मेल्टिंग पॉइंट. एंड ऑब्वियसली सोडियम और पोटेशियम है lowest melting point because they are very soft metals. ठीक है. 7th metals है sonorous. metals are sonorous. क्यों metals sonorous क्यों होते हैं? On heating, not heating. Remember on heating. Some sound, metallic sound, that is called sonorous sound. Now, this all are the physical properties of metals. Physical properties of metals, जिनको आप देख के छू के बता सकते हो कुछ तरह के. अब chemical properties पढ़ते हैं. Chemical properties of metals. What are chemical properties of metals? Some chemical properties of metals are on reaction with
oxygen, they produce metallic oxide. किसी भी मेटल का अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे मान लो कोई भी मेटल हो, एनी मेटल, यू कैन टेक एनी मेटल विथ ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड. एंड एनी मेटल, लाइक एग्जांपल, इफ वी रिएक्ट सोडियम विथ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड, अब आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों है, इसको मैं आगे आगे थर्ड या फोर्थ लेसन में मैं और इसे एक्सप्लेन करूंगी. वैलेंसीज हैं, वैलेंसीज एक्सचेंज होते हैं तो उनके फॉर्मूला में कुछ चेंजेस होते हैं. तो ये हो गया मेटालिक ऑक्साइड. एनी मेटालिक ऑक्साइड, जो भी मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर. व्हाई बेसिक इन नेचर, हाउ कैन यू प्रूव दैट एनी मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर? बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस टू, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. रेड लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे उनके ऑक्साइड का, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे. दैट्स व्हाई द मेटालिक ऑक्साइड आर फॉर्म बेसिक. बट रिमेंबर ए एल एक्सेप्शन, ए एल टू ओ थ्री एंड ZnO, ये हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. दे आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक. ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक. व्हाई एम्फोटेरिक? बिकॉज एम्फोटेरिक मींस दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ, they are, they show the properties of acidic and basic oxide. Amphoteric, इनकी इनमें दोनों प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी होती है. किसी रिस्पेक्ट में ये एसिडिक होते हैं, किसी रिस्पेक्ट में ये बेसिक होते हैं. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है Al2ZnO, Al2O3 दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO दैट इज जिंक ऑक्साइड. ये एग्जांपल्स मैं जो बता रही हूँ इसको आप क्लियरली ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आते हैं. तो एक्सेप्शन तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO. क्लियर है? तो ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, एल्यूमिनियम मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, they react with dilute acid, any dilute acid.
लेते हैं HCl, इनके साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पॉपिंग साउंड। कोई भी मेटल जो है डाइल्यूट बेसिक HCl के साथ या कोई भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसको कैसे आप टेस्ट कर पाओगे? पॉपिंग साउंड के साथ काम करता है। अगर उनके पास मैचस्टिक्स ले जाओगे जला के तो वो पॉपिंग साउंड के साथ जलेंगे और कलर में पेंट भी होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आयरन इज मेटल रिएक्टिंग विद HCl, इट विल फॉर्म HCl प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज बाय दिस इक्वेशन। दिस कैन भी चेंज बाय कोई भी मेटल आप ले सकते हो। मैंने एग्जाम्पल दिया आयरन के साथ, दो मेटालिक साल्ट बनते हैं HCl एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हो गए आपके ऑल अबाउट मेटल्स, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने दो होंगे पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। वॉट आर नॉन मेटल्स? है टेंडेंसी respect।